आंदोलन के चलते चलते पीएससी की मांग की जा रही हो कि बलपूर्वक हम मीटर लगाओगे तो किसानों को पता है कि क्या हालात होंगे क्या हालात ये करना चाह रहे यानी कि आप तो आंदोलन को भी कुछ नहीं मान तो कल बड़ा निर्णय लेंगे कुछ ना कुछ किसान को जनप्रतिनिधि ये कह रहे कि भाई आप बाधक हो विकास में आप जो है गौशाला काउ सेंचुरी बनने दे रहे क्या लूट का काउ सेंचुरी बनाओगे किसानों की जमीन को सरकार ने वादा करा था अपने मैनिफेस्टो में करा था कि भाई हम इसको फ्री बिजली देंगे खेती उस पर काम करो जबरदस्ती यहाँ चलने की यहाँ कभी जबरदस्ती नहीं चली यहाँ तो तैमूर लंग की नहीं चली यहाँ तो अंग्रेजी शासन काल की नहीं चली यहाँ किसान एक कभी लड़ाके तो नहीं है और पाँच लाख का भी तो नहीं कल बताएगा किसान की तो पूरे शहर में कहीं पैर रखने की जगह नहीं है नमस्कार दोस्तों एस बी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है मुजफ्फरनगर में आज किसान आंदोलन का तेरवा दिन है और कल इसी ग्राउंड पे बड़ी किसान महापंचायत होनी है जिसके लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई है हम अभी किसान महापंचायत के मंच पर है और हमारे साथ मौजूद है युवा किसान नेता चौधरी गौरव टिकेट जी गौरव जी क्या तैयारियाँ है कल की महापंचायत की देखो तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी है और कलसाए भी बहुत हैं शादियाँ बहुत हैं ये कोई एक गाँव नहीं है जिसमें दस दस शादियाँ ना हो लेकिन लोगों ने अपने आप ये कहा कि भाई हम भाई शादी भी करेंगे और अपने किसान आंदोलन में महापंचायत में भी शामिल होंगे आंदोलन के चलते चलते पी एस की मांग की जा रही हो कि बलपूर्वक हम मीटर लगाओगे तो किसानों को पता है कि क्या हालात होंगे क्या हालात ये करना चाह रहे यानी कि आप तो आंदोलन को भी कुछ नहीं मान रहे तो कल बड़ा निर्णय लेंगे कुछ ना कुछ भाई जिस तरीके से इनकी ये सोच चल रही कि भाई आंदोलन को भी नहीं मान रहे तो इसमें कल कोई ना कोई एक बड़ा निर्णय यहाँ लेंगे संयुक्त मोर्चा के भी जो लीडर हैं हमारे वे भी रहेंगे और खाप चौधरी थाम्बेदार जो सामाजिक लोग हैं संगठनों के वे सब लोग स्टेज पर रहेंगे और आसपास के जनपदों के क्योंकि तो बाहर के लोग इसमें नहीं आ रहे अब आसपास के जनपदों के लोग यहाँ रहेंगे और बड़ी पंचायत एक कल की होने जा रही है हरियाणा के किसान तो आने के लिए तैयार है लेकिन आप लोग ही मना कर रहे हैं उनको आने के लिए नहीं ये वो भी नहीं है क्योंकि यहाँ का इशू उत्तर प्रदेश के भी अलग है और हरियाणा का पंजाब का और पूरे भारत का ही बड़ा सहयोग रहता है लेकिन वो और कुछ लोगों की बात ये भी थी कि जो मान भाई जो पब्लिक आती है किसान आए थे पाँच तारीख को वो बाहर की ज़्यादा थे तो वो भी बताना जरूरी है कि नहीं ये सब लोग यहाँ के आसपास के ही किसान हैं तो कल इस महापंचायत के जरिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं किसानों के जिनकी आवाज इस मंच से बुलंद की जाएगी देखो एक तो गन्ने का हमने देखे हमने बड़े टिकैत साहब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के टाइम के आंदोलन के उसमें भी देखा है टिकैत साहब के टाइम पर आंदोलन होते थे गन्ने के रेट बढ़ाने के लिए आज आंदोलन हो रहे या किसान बैठे कि जब हमें भुगतान दे दो तो आंदोलन भाई गन्ने का रेट भी तो बढ़े बिजली के मीटर जो नलकूपो पर मीटर लगाने की बातचीत चल रही है ये किसान को बर्बाद कर देंगे उसके भी है आवारा पशुओं का एक बड़ा मुद्दा है हमें किसान को जनप्रतिनिधि ये कह रहे कि भाई आप बाधक हो विकास में आप जो है गौशाला काउ सेंचुरी बनने दे रहे क्या लूट का काउ सेंचुरी बनाओगे किसानों की जमीन को और उनको मुआवजा दो उनकी बात भी सुनो या हर चीज में राजनीति दिख रही भाई हर चीज में राजनीति करोगे भाई कौन काउ सेंचुरी का विरोध कर रहा है ये तो वही किसान है ये तो वही जनता है श्रमदान कर करके आज गांवों में आप इंटर कॉलेज देखोगे डिग्री कॉलेज देखोगे तो श्रमदान करके कर तछड़े तो ढो के वो निर्माण कर रखे सारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं तो समाज का भी सहयोग ले लो और उन किसानों को भी पूछ लो भाई कि क्या हालात होंगे भाई आप पट्टे वो करवा के तो ये सारी चीजें करवा के जब भी वो होगा न कहीं किसान कभी विकास में बाधक रहा हम लोग भी चाहते हैं कि पक्का समाधान हो सरकारों से बातचीत हो

क्या ट्रैक्टर प्रदूषण फैला रहा अरे ट्रैक्टर ने तो अपना किसान खेत में काम कर अपना फिर घर पे आ गया पूछ पाँच का खड़ा हो जाए कौन बदल लगा ये भी एक बड़ा इश्यू है और जो इकतीस मार्च तक ये टारगेट कह रहे हैं ना कि टारगेट पूरा करना है हमें भाई लक्ष से हमें मीटर लगाना है नलकूप पे कोई किसान मीटर नहीं लगवा होगा जो भी निर्णय होगा वो पंचायत में होगा कल यहाँ मुझे हंडर के प्रभारी मंत्री आए सोमेंद्र तोमर उन्होंने कहा कि हमने अधिकारी को कहा है कि भाई वो किसानों को समझावे बुझावे एक तरह से बिजली की जो खपत का आकलन है और क्या दूसरी क्या तरफ का? बिजली विभाग के अधिकारी फोर्स की मांग कर रहे हैं देखो ये इन्होंने क्या कहा इन्होंने ये कहा कि जी हम एक तो तर्क दे रहे कि हम ये देख रहे हैं कि भाई किसान कितनी खपत जो है बिजली में कर रहे हैं किसान की जो लाइन है अगर वो बिजली घर से जागे तो वो खेत की लाइन ही अलग हो वही चेक कर लो आप जो है मीटर लगा के तो ये सब चीज़ें जानता है किसान ये अब इस चीज़ों में होगा किस सरकार ने वादा करा था अपने मैनिफेस्टो में करा था कि भाई हम इसको फ्री बिजली देंगे खेती की उस पर काम करो ज़बरदस्ती यहाँ चलने की नहीं यहाँ कभी जबरदस्ती नहीं चली यहाँ तो तैमूर लंग की नहीं चली यहाँ तो अंग्रेजी शासन काल की नहीं चली यहाँ तो जब किसान आंदोलनों का दौर रहे जब उनकी नहीं चली यहाँ ये सब चीज़ें नहीं चलेगी जबरदस्ती कोई शब्द यहाँ नहीं चलेगा बलपूर्वक अगर यह सोच रहे कि हम पीएससी के बल पे या फोर्स के बल पे वो यहाँ नहीं चलेगा तो कल कितनी बड़ी संख्या में जी के मैदान पे किसानों के पहुंचने की संभावना जताई कोई राजनीतिक दल तो है नहीं भाई अकबर राजनीतिक दलों ने बस भेज रखी है किसान को दिक्कत है तो अपने आप आ जाएगा नहीं दिक्कत है नहीं आनेगा संख्या के आधार पर कभी भी जो है वो आंदोलन की बातचीत तो नहीं होती किसान त्रस्त है तराई तराई वो कर रहा है उसके रेट का उसे नहीं पता कि तेरी आधे से ज्यादा फसल जली गई रेट में जा रही बिजली के नलकुप्पू के पे मीटर लगाने की बातचीत है आवारा पशुओं का मुद्दा है दस साल पुराने ट्रैक्टर का मुद्दा है बिजली के के नाम पे अवैध उगाई करी जा रही वोट तलाशी जा रही है उसमें भी वे सारे मुद्दे हैं तो सब किसान को पता है किसान आएगा मजबूती के साथ में आ रहा है अच्छा मुझे में आमतौर पर पॉलिटिकल लीडर भी अगर रैली के लिए कोई जगह चुनते हैं टाउन हॉल चुन लिया दो चार हजार की भीड़ में ही काम हो जा आपने महापंचायत के लिए भी यही जगह चुनी जिसके लिए हर बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी सोचते हैं कि भाई यहाँ से बचा जा चूँकि आप बड़ी जगह है संख्या बहुत चाहिए इस मैदान को भरने के लिए देखो सही बात है भाई वे उसी हिसाब से करते हैं कि जब हमें हजार लोग बनाने या पंद्रह सौ बनाने किसानों का और इस फील्ड का बड़ा आपस में एक ऐसा संबंध रहा बहुत ऐतिहासिक निर्णय यहाँ से लिए गए पाँच सितंबर की ऐतिहासिक पंचायत भी यहाँ से हुई वो उनतीस तारीख जब किसान के सम्मान की बातचीत थी तो वो यही मैदान है यहाँ से एक आवाज़ उठी थी और पुण्य ये कहा गया था कि वो अपने आंदोलन को मजबूती के साथ में किसान लड़ेगा तो ये तो ऐतिहासिक मैदान है बहुत सारे मुद्दे यहाँ से विधायक प्रकरण भी हुए पहले बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ पंचायतें हो चुकी दो हजार एक में टिक साहब पे जब चार सिर में चोट लगी थी जब भी एक बड़ी पंचायत यहाँ पे हुई थी तो ऐतिहासिक आंदोलन का गवाह है ये मैदान और भाई वह वो तो एक उनको तो अपनी वो भरनी है राजनीतिक दलों की भाई हमारा उद्देश्य है कि भाई एक मैदान भरना यहाँ नहीं यहाँ यहाँ किसान एक का भी लड़ा के तो नहीं है और पांच लाख का भी तो नहीं है कल बताएगा किसान की पूरे शहर में कहीं पैर रखने की जगह नहीं है इतनी बड़ी संभावना है लोगों के आने की नहीं आएंगे सभी लोग आ रहे सभी लोग आ रहे तो ये थे किसान नेता चौधरी गौरव टिकेत जिनका कहना है कि कल बड़ी संख्या में किसान इस मैदान पर आएंगे और कल शायद मुजफ्फरनगर की सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं होगी